कहिए, क्या बात करनी है आपको? कहाँ है वो जिसकी वजह से तुम में इतनी आज हिम्मत आ गई है कि तुम मुझे लीगल नोटिस भेज रही हो, खुला चाहती हो, कोर्ट लेके जाना चाहती हो, और अगर आज इतनी हिम्मत आ ही गई है और चाहती हूँ कि मैं तुम्हें आजाद कर दूँ, तो मेरी बातों का जवाब आंखों में आंखें डाल कर दो, मैं तुम्हें आजाद कर दूँ। कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं हो आपकी, ना ही इस रिश्ते को आप जबरदस्ती रख सकते हैं। मैं शरई और कानूनन हक रखती हूँ आपसे खुला रहने का। ठीक है, तो आजादी चाहते हैं। आपकी अना से, आपकी जिद से, आपकी खुद पसंदी से चाहिए मुझे आजादी। मैं तुम्हें आजाद करता हूँ, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम। अपना गुनाह कबूल कर, इतनी सी बात है, और मैं तुम्हें आजाद कर दूं, बल्कि अभी इसी वक्त आजाद कर दूं। क्या हो गया, छुप क्यों, ताला क्यों लग गया तुम्हारी जबान? जो तुम्हारा मासूम चेहरा है ना, इसके पीछे तुम्हारी ये धोखे। बस करे मायर, बस भी कर से इंसानों में हर इंसान से गलती होती है, मुझसे भी गलती हुई। रोजा करने की गलती पहले आप पे, फिर आपकी माँ पे, और क्या इतराफ करूं मैं? हाँ, क्यों मेरे मुंह से उस दिन का इतराफ क्यों सुनना है आपको? यकीन नहीं था, यकीन नहीं था उस दिन पे, तो क्यों मुझे घर से निकाला, मेरे किरदार पे उंगली उठाई, मेरी इज्जत तो चली, अरे इस रिश्ते को खत्म कर दिया। कितनी तकलीफें देनी है आपने मुझे, और कितने दुख देंगे आप मुझे, किस किस कदम पे अकेला छोड़ेंगे आप मुझे? मैं इससे ज्यादा आप मुझे क्या तकलीफ देंगे? क्या आप लोगों ने मेरे बच्चे को मार दिया? वो जान जो इस दुनिया में आना चाहती थी, आप लोगों ने इस दुनिया में आने से पहले उसे मार दिया। हमारा बच्चा, आपका खून, बच्चे की माँ को ना सही, मुझसे नफरत सही, बच्चे बच्चे को तो कबूल कर लेते, उसका क्या कसूर था? उसे क्यों नहीं इस दुनिया में आने दिया? सच्ची लिया ना, कुछ नहीं रहने देंगे मेरे पास, क्योंकि मैं बेवफा जो हूँ आपकी नजरों में। प्लीज ये तो एक्ट कीजिए गई ना, कि आपको पता ही नहीं कि हमारा बच्चा इस दुनिया में क्यों नहीं आया। मैं ये जो कुछ तुम बोल रही है सच नहीं है, प्लीज सच बोलो। जो कुछ तुमने कहा ये सच नहीं हो सकता। देखो देखो, तुम्हें मुझसे आजादी चाहिए तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, लेकिन प्लीज सच बोलो, प्लीज ऐसे मत करो। सच है, ये सच है।